वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको मीडिया प्लेयर के अंदर हमारी इसके अंदर अगर ये वर्क नहीं कर पा रही है रियलमी स्मार्ट टीवी के अंदर या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना है और यहाँ से आपको सी आल ऐप्स पर टिक करके इस एप्लीकेशन को मीडिया को ठीक है यहाँ से फोर्स स्टॉप कर लेना होगा ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप इसकी परमिशन दिखाई दें तो परमिशन इसकी हमेशा अलाउ रखिएगा ठीक है। अगर आप इसको अलाउ रखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड अपने जो है जो ये डिवाइस है हमारा एंड्रॉयड तो है ये, तो इसे डिवाइस को खोल लीजिएगा में जाइएगा और इसे चेक करते रहिएगा कि इसमें अपडेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर इसमें अपडेट आ रहे हैं तो प्रॉपरली आपको हाथ हाथ अपडेट करते रहना है। तो यही करना है फिर आपको इस तरीके का एरर नहीं देखने के लिए मिलेगा उन्हें बार बार शो करने के लिए आपको मिलता रहेगा। अगर आपका मीडिया वगैरह नहीं खुलता है या ब्लैक स्क्रीन वगैरह कुछ भी दिखाता है ऑल प्रॉब्लम्स के लिए यही सोल्यूशन रहता है इसका। तो इसे अलाउ कर दीजिएगा यहाँ से बस और फिर ये रन कर जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।